हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड मूवी एवेंजर्स एंड गेम के बारे में। मार्वल स्टूडियो की बनी ये एवेंजर्स सीरीज की चौथी फिल्म एवेंजर्स एंड गेम है। आपको बता दें यह मूवी 26 अप्रैल को सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और अपनी पहली धमाकेदार एंट्री के साथ सभी सोच को हाउसफुल करते हुए पहले ही दिन 2800 करोड़ की कमाई कर चुकी है। जहां बॉलीवुड में 500 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्मों को सुपरहिट माना जाता है, वहीं यही फिल्म एक दिन में 2800 करोड़ कमा चुकी है। इस ट्रेलर में आपको मार्वल स्टूडियो की उन सभी फिल्मों की छोटी सी झलक दिखाई देगी जो एवेंजर्स एंड गेम की सीरीज है। एवेंजर्स एंड गेम में जो भी सुपर हीरोज आपको दिखाई देंगे, उन सभी की फिल्मों की झलक आपको इस मूवी ट्रेलर में दिखाई देगा। एवेंजर्स के सुपर हीरोज थोर, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, आंटमैन, हल्क सभी इस मूवी में अपने फुल फॉर्म में नजर आएंगे। एवेंजर्स एंड गेम देखने के लिए अलीगढ़ जिले में उमड़ी भीड़ को कम करने के लिए यहां डीडी सिनेमा एक सिनेमा हॉल है जिसने 6 बजे ही रख दिया है। जी हां, सुबह 6 बजे भी अब लोग फिल्म देखने जा सकेंगे। एवेंजर्स एंड गेम की इस मूवी की खास बात यह है कि जिन कॉमिक्स स्टोरी पर ये फिल्म आधारित हैं, उन कॉमिक्स के रचयिता स्टैनली आखिरी बार इस मूवी में देखे जाएंगे, क्योंकि उनका देहांत अभी कुछ महीने पहले ही हो चुका है, इसलिए अब आगे से वो इन मूवी में नहीं दिखाई दिया करेंगे। साथ ही एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर का कहना है कि इंडियन ऑडियंस हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें ऊर्जा देती है। जब कभी भी हम फिल्म बनाते थे और थक जाते थे, तो हम इंडिया के सिनेमा हॉल की उन सीटी की आवाज़ सुन के जब हीरो एंट्री करता था और हॉल के अंदर शोर मचता था, हम उस जोश को देखकर उसको याद करके फिर से एनर्जेटिक हो जाते थे और फिल्म बनाने लग जाते थे। तो भारतीय ऑडियंस जो है हॉलीवुड के लिए एक मायने रखती है। अगर आप हॉलीवुड फिल्म के दीवाने हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एवेंजर्स की इन सीरीज को नहीं देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सीरीज को देख लीजिए और एवेंजर्स एंड गेम का मजा लीजिए।